वसुदेव सुतम कृष्ण चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तो आज हम आए हैं 16 भागवत मंदिर। तो आज मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और हम बातें करेंगे श्री कृष्ण के बारे में। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा गया कि भगवान का वास तो कण कण में है, वे तो हर एक स्थान पर वास करते हैं, फिर हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। तब इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हवा हर स्थान पर है, हर जगह पर है, फिर भी जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तो हमें एक अलग स्थान पर जाना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान का वास भी कण कण में है, वे हर एक स्थान पर वास करते हैं, फिर भी कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ उनकी दिव्यता को हम ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। ऐसे स्थान सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र होते हैं, यहाँ पर आने से मन को परम शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण के जितने ही स्वरूप हैं उनके उतने ही स्वरूपों से जुड़ी उतनी ही बातें हैं। कभी श्री कृष्ण बाल स्वरूप में माखन चुराते हैं तो माँ यशोदा के हाथों से डंडे खा रहे हैं। कभी श्री कृष्ण एक वीर योद्धा की भांति कंस को मृत्यु दंड प्रदान करते हैं, तो कभी श्री कृष्ण एक परम प्रेमी की भांति राधा रानी के साथ रास बचाते हैं, तो कभी एक महान ज्ञानी की भांति हमें गीता का ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण। मंदिर के आगे के भाग में गणेश और हनुमान जी का मंदिर है। गणेश जो विघ्नों का हरण करने वाले हैं और हनुमान जी जो यहाँ पर पहरा देते हैं। अग्रज श्री गणेश तो हर जगह रहेंगे। श्री गणेश के बिना कोई भी मंदिर संपूर्ण नहीं होता। श्री गणेश के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। जय श्री गणेश। ये है भागवत मंदिर का गर्भगृह। यहाँ पर श्री कृष्ण माता यमुना के साथ विराजमान आई तो उनके दर्शन करते। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं अखंड दीप के, जो सालों से यहाँ पर प्रज्वलित है। अखंड दीप के बाद दर्शन होते हैं भगवान श्रीनाथ जी के। भगवान श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से 8वें पूर्ण अवतार माने गए हैं। पूर्ण अवतार इसलिए क्योंकि इन्हें 16 कलाएं आती थी, ये 16 कलाओं के ज्ञाता थे। श्रीनाथ जी के ही पास माँ यमुना जी हैं। माँ यमुना जी श्री कृष्ण को माला लेकर खड़ी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कालिया नाग माँ यमुना के जल में प्रवेश कर गया तब उनका जल काला पड़ गया विष के प्रभाव से। तब श्री कृष्ण ने माँ यमुना के जल में प्रवेश किया और कालिया नाग का मर्दन किया, उसके प्रत्येक फन पर नृत्य करके उसका सारा विष निकाल दिया। तब कालिया नाग ने कहा, प्रभु अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूँगा। तब श्री कृष्ण ने उसे अपनी चरण चिन्ह प्रदान किए और उसे भयमुक्त कर दिया। तब माँ यमुना को उनका वास्तविक स्वरूप मिल गया और माँ यमुना अपने मूल स्वरूप में आ गई और तभी से उनका नाम कालिंदी पड़ा और भगवान श्री कृष्ण को माँ यमुना समर्पित हो गई। श्री कृष्ण हर मंदिर में राधा रानी के साथ ही विराजमान रहते हैं, पर इस मंदिर में कुछ खास है। यहाँ पर श्री कृष्ण श्री यमुना जी के साथ विराजमान। श्री कृष्ण और माँ यमुना का संबंध बहुत ही अनूठा है। श्री कृष्ण जब नंद बाबा के घर जा रहे थे तब माँ यमुना ने उनका रास्ता रोका और उनके चरण पखारे, तभी उन्हें माँ यशोदा के पास जाने दिया। और श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का केंद्र भी श्री यमुना तट को ही बनाया हुआ है। श्री कृष्ण ने यमुना तट में ही कालिया नाग का मर्दन किया था।
और ये यमुना माता श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में से एक है, मतलब श्री कृष्ण की आठ मुख्य पत्नियों में से श्री यमुना माता भी उनकी एक पत्नी है जिनका नाम कालिंदी है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में घटित विविध लीलाओं का वर्णन है, इसे चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ये मंदिर का पीछे का भाग है, ये बड़ा सा प्रांगण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होली के उत्सव और आदि जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होली सबके उत्सव होते हैं। देखिए मंदिर के पीछे का भाग कितना बढ़िया से दिख रहा है, ऊपर ध्वजा लगा रहे मंदिर के पीछे के ही भाग में बनाया गया है छोटा सा वृंदावन। वृंदावन मतलब वृंदा का वन, तुलसी का वन। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा वृंदावन बनाया हुआ है। देखिए कितने सारे तुलसी के पौधे लगा रखे हैं। ये कृष्ण तुलसी है, इसका रंग काला होता है। देखिए श्री कृष्ण और तुलसी का भी संबंध बहुत ही अनूठा है, क्योंकि तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। श्री कृष्ण की पत्नी है तुलसी माता। बिना तुलसी के श्री कृष्ण की कोई पूजा पूर्ण नहीं होती, कोई भोग पूर्ण नहीं होता, इसीलिए तुलसी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सनातन धर्म में वट वृक्ष की एक अपनी ही जगह है। कहा जाता है वट वृक्ष की धूली में समस्त तीर्थों का वास है, इसके थड में समस्त देवी देवता वास करते हैं और इसकी पत्तियों में वेद और शास्त्र आदि का ज्ञान है, इसीलिए वट वृक्ष को प्रणाम करते हैं। घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे हरियाली है, मंदिर है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं, पर ऊपर का अभी लाइब्रेरी बंद है, वहाँ पर आप आके बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, तो ज़रूर आइए। हर और हरि का संबंध तो चिरकाल से है, इसीलिए हरि का मंदिर हो और हर का स्थान वहाँ पर ना हो ऐसा असंभव है। यहाँ पर त्रिलिंगेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर महादेव पत्नी पार्वती और पुत्र गणेश के साथ वास करते हैं। श्री कृष्ण राम स्वरूप में कहते हैं कि शिवद्रोही मम भक्त का हावा, सो नरमोहि सपने हु नहीं पावा। अर्थात जो शिवद्रोही मुझे अपना भक्त कहेगा वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकेगा। इसीलिए अगर आप हरि की पूजा करते हैं और हर की निंदा करते हैं तो आपको किसी की भी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबका सम्मान करें। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर अर्थात तीनों लोकों के मालिक। त्र्यंबकेश्वर में तीन ज्योतिर्लिंग होते हैं। ये तीन ज्योतिर्लिंग
ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अगर आपने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो आपको त्रिदेवों का ही आशीर्वाद मिल जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अप्रिशिएट करें।